नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रिया चक्रवर्ती को दोस्तों अभी हाल ही में एयरपोर्ट के आसपास देखा गया है, और ऐसे में रिया चक्रवर्ती दोस्तों भागने वाली है या फिर रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को अब जब इस दुनिया से गए हुए पूरे 13 महीने से ज़्यादा हो चुका है, इसके बाद भी दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला है, और ऐसे में तरह तरह की बातें लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया है, और कुछ लोगों का तो यह तक कहना था कि रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से बुला करके और इसकी जांच होनी चाहिए और इससे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को भी भनक लग चुकी है कि रिया चक्रवर्ती से किसी भी वक्त एक बार फिर से सीबीआई दोबारा से पूछताछ शुरू कर सकती है, और इसी वजह से दोस्तों रिया चक्रवर्ती को अब शायद डर लगने लग गया है, क्योंकि इसके सबूत यह है कि रिया चक्रवर्ती को अभी हाल ही में दोस्तों एक बार फिर से घर से बाहर कहीं जाते हुए देखा गया है, और ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती कहीं एक बार फिर से सीबीआई के डर से कहीं अंडरग्राउंड ना हो जाए। और इसी वजह से फैंस जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो लगातार कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर सीबीआई को और एनसीबी को नजरें गड़ा करके रखने की जरूरत है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जितनी शातिर है वो कुछ भी कर सकती है और वो सुशांत सिंह राजपूत केस में भागने का प्रयास भी कर सकती है। और इसी वजह से दोस्तों बहुत सारे ऐसे फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के जो कि लगातार रिया चक्रवर्ती के ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं, और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती भागने का प्रयास कर रही है। अब दोस्तों बड़ा सवाल है कि आखिर रिया चक्रवर्ती अगर भागने का प्रयास कर रही है तो वो कहां जाएगी, और किस तरह से रिया चक्रवर्ती को एयरपोर्ट पर देखा गया है, किस एयरपोर्ट पर देखा गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रिया चक्रवर्ती को जब एयरपोर्ट पर देखा गया तो कयास ये लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती शायद किसी और से मिलने के लिए जा रही है, और वो दोस्तों निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत केस में सम्मिलित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जब रिया चक्रवर्ती को एयरपोर्ट पर देखा गया था तो देखा गया था कि रिया चक्रवर्ती सीधे सिद्धार्थ पिठानी से मिलने के लिए गई थी हैदराबाद, लेकिन अब तो सिद्धार्थ पिठानी इस टाइम पर एनसीबी के चंगुल। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब इस टाइम पर रिया चक्रवर्ती किससे मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कहीं देश छोड़कर भागने का प्रयास ना कर रही हो, और इसी वजह से लगातार फैंस गुहार लगा रहे हैं कि इस टाइम पर कैसे भी करके हमें रिया चक्रवर्ती के ऊपर नजरें गड़ा कर रखना चाहिए। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को ही मुख्य आरोपी घोषित किया गया था, और इसके अलावा कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती की ही सबसे बड़ी और अहम भूमिका हो सकती है। और तो और मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई FIR भी हुए, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को 1 महीने के लिए पूरा जेल में भी रहना पड़ा था, और रिया चक्रवर्ती जब बाहर आई थी तो वो पूरी तरह से बौखला चुकी थी, और वो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से भी बदला लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। और एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती दोस्तों कुछ ऐसा ही पैंतरा आजमा सकती है, और वो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से या फिर किसी को भी कुछ भी कह सकती है। इसी वजह से लोग सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं, और लोग देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती कब कहां जा रही है और साथ ही वो क्या क्या कर रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जानती है कि सुशांत सिंह राजपूत केस को 13 साल हो गया है लेकिन अभी भी सीबीआई को इंसाफ नहीं हो पाया है, और इसी वजह से सीबीआई रिया चक्रवर्ती को बुलाकर एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है, जिसका डर अब सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती के देखने को मिल रहा है, और रिया चक्रवर्ती अब भागने का प्रयास कर रही है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।